Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Mirav Shahir and I'm back with another YouTube video. आज की YouTube video में मैं review करूँगा काशिश की even tone high coverage foundation. Now my own purchase, I actually borrowed it from my friend Sobia और इसलिए उनका shade है तो it's gonna be slightly lighter than me. Please keep that in mind. और हम एक wear test करेंगे. I'm gonna do my makeup, like entire makeup. After this video, I'm filming another video. तो मैं वो फिल्म करूँगा. उसके बाद I'm gonna keep it on till सहरी. Right now it is 10:20 PM. तो मैं सहरी तक रखूँगा. तो it's gonna be like around 6-ish hours of a wear test. और मैं थोड़ी सी वॉक वगैरह भी कर लूँगा in the middle ताकि I can sweat out the makeup. So we shall see what this looks like by the end of the day. Well, not the end of the day, but like 6 hours. तो anyways, before we get into the tutorial, मैं आपसे तीन बातें करनी है. पहली बात ये है कि please subscribe कर लो मुझे यार. Please, वो एक्चुअली सीन ये है कि मैंने 10,000 फॉलोअर्स का गोल रीच करना है एंड आई एम ओनली एट 6,000 राइट नाउ. तो इट वुड मीन द वर्ल्ड. ओके, दूसरी बात ये है कि प्लीज़ लाइक्स और कमेंट्स कर दिया करो यार, थोड़ा सा हौसला हो जाएगा मुझे. ऑलराइट, और तीसरी बात ये है कि प्लीज़ मेरे बेल आइकन को क्लिक कर दें. प्लीज़, आई नो यू वॉन्ट टू वॉच माई वीडियोज़, आई नो. ओके, बस मुझे पता है. तो बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आए, ताकि आप मेरी वीडियोज़ देख सकें. चलो, मैंने शोधी मार ली है, अब लेट्स गेट इनटू द ट्यूटोरियल. और तो मेरे पास फाउंडेशन है और ये मैंने स्किन को मॉइस्चराइज जो है ना वो पहले से ही किया हुआ है. आई अप्लाइड माय ओले रीजेनरस ल्यूमिनस टोन परफेक्टिंग क्रीम मॉइस्चराइजर. इट्स रियली नाइस स्किन. थोड़ा सा डाइमेथिकोन भी है विच इज़ सिलिकॉन, जिससे आपका थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है स्किन. मैं प्राइमर नहीं यूज़ कर रहा ताकि यू नो वी जस्ट गेट द फील ऑफ द फाउंडेशन. और प्राइमर के साथ ये ना हो कोई घपला हो जाए, कोई हैंड हो जाए और उसके बाद फिर हम बैठे होंगे कि भाई बकवास लग रही है फाउंडेशन. तो आई वॉन्ट टू गिव दिस अ फेयर शॉट, इसलिए नो प्राइमर व्हाटसो एवर. तो मैं एक पंप जो है ना वो पंप आउट कर रहा हूँ इस फाउंडेशन का. पहले थोड़ा सा ड्राई हुआ हुआ वो मैंने साइड पे निकाल लेता हूँ, दोबारा से हम एक पंप निकाल लेते हैं. तो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. अब इस फाउंडेशन का सीन ये है कि बहुत थिक है. इट्स वेरी लाइक थिक मूसी एंड इट फील्स अ लिटिल बिट लाइक द हुदा ब्यूटी 4 फिल्टर फाउंडेशन. ठीक, तो एक साइड पे हम ब्रश से अप्लाई करेंगे. अब देखें, चिट्टी है फाउंडेशन, आई नो, आई एम अवेयर. तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ना बताइएगा कि शहीद दिस इज़ नॉट योर टोन. हम विल मेक इट वर्क. ठीक है, तो हम डॉट डाउन कर लेते हैं इसको ऑन आवर फेस. ऑल्सो दिस इज़ अ लिटिल पिंक. काशी के मैंने प्रोडक्ट्स नोटिस किया कि वो थोड़े पिंक टोन की तरफ जाते हैं, बट ओ वेल, क्या करें. हम थोड़ा बनाना पाउडर वगैरह यूज़ कर लेंगे. मैं काशी का पाउडर नहीं यूज़ कर रहा, मेरे पास है लेकिन आई डोंट लाइक इट. आई डोंट लाइक द वे इट लुक्स ऑन द स्किन. आई फील लाइक इट डज नथिंग फॉर द पोर्स और लॉन्जेविटी के लिए भी कुछ नहीं करता. तो या एंड दिस इज नॉट माय फर्स्ट टाइम यूजिंग दिस फाउंडेशन, तो कीप दैट इन माइंड. पहली बात तो मैंने ब्लेंड आउट कर लिया है. सॉरी, मेरा कार्ड कट आउट हो गया था, इट वॉज फुल और मुझे पता भी नहीं चला और मैंने थोड़ा सा ब्लेंड आउट कर लिया था. खैर, अभी भी मैं कर रहा हूँ ब्लेंड, नॉट कम्प्लीटली ब्लेंडेड. सीन ये होता है कि इस तरह की जो थिक फाउंडेशन होती है उसके साथ यू हैव टू अप्लाई अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड जस्ट प्रेस इट इन एंड दैट वे यू गेट द बेस्ट रिजल्ट. एंड दिस ब्रश इज़ फ्रॉम नाजुक कॉस्मेटिक्स बाय द वे. तो आई एम जस्ट प्रेसिंग इट इन, और अगर थोड़ी सी ड्राई हो भी जाती है ना ऑन द स्किन, जस्ट प्रेस इट इन एंड इट विल स्मूद इट सेल्फ आउट. तो इट लुक्स प्रीटी गुड यू गाइज, लाइक, और स्किन लाइक लग रही है, बहुत केकी नहीं लग रही. मैंने बहुत ज़्यादा लगाई भी नहीं थी, इवन दो लग रहा होगा कि मैंने बहुत थोपी है, इट वॉज़न्ट दैट मच. मैंने नीचे अपनी बेयर्ड एरिया के ऊपर भी उसको स्प्रेड आउट कर लिया. तो या इट डजंट लुक टू पैची और एनीथिंग, इट लुक्स प्रिटी नाइस. और हुदा ब्यूटी जैसा इफेक्ट आ रहा है इसके अंदर, और कवरेज भी काफ़ी सिमिलर है टू दैट. या तो दैट्स दैट. दूसरे साइड पे हम स्पंज के साथ लगाएंगे. स्पंज जो मैं ले रहा हूँ वो है ब्यूटीफाई बाय आमना का. तो मैं स्पंज के ऊपर डायरेक्टली ही ले लूँगा प्रोडक्ट को. नाउ दिस इज़ अ लिटिल ड्रायर एज अ प्रोडक्ट कम्पेयर टू हुदा ब्यूटी. तो अगर आप देख लें, आई डोंट नो फोकस कर रहा है कि नहीं, बट ये ड्राई हो चुका है ऑन द प्लेट ऑलरेडी, बट व्हाटएवर, हु केयर्स. स्पंज के साथ भी आई एम प्रेसिंग इट इन. इस तरह की फाउंडेशन वैसे पर्सनली मुझे स्पंज के साथ अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा लगता है. आई फील लाइक यू कैन रियली लाइक प्रेस देम इनटू द स्किन. दोनों साइड में डिफरेंस कि दिस फाउंडेशन डज ऑक्सीडाइज, लाइक इट ड्राइज डाउन प्रीटी मच लाइक डार्कर देन व्हाट इट एक्चुअली इज. जस्ट कीप दैट इन माइंड विद द टोन, कि अगर आप लाइक किसी स्टोर पर जाकर खरीद रहे हैं तो ये सीन होता है.
इसके साथ कि इट्स लिटल लाइटर देन व्हाट इट एक्चुअली एंड्स अप लुकिंग लाइक. तो दाढ़ी के ऊपर मैं हमेशा ब्रश से ही करता हूँ, तो अप्लाई कर लूँगा. कंसीलर के लिए मैं ले रहा हूँ द ब्यूटी का ओवर अचीवर कंसीलर इन द शेड ग्रेनोला. तो या शेड नोगट लेके आई एम गोना हाईलाइट माय फेस. तो हल्का सा हम यहाँ ले लेंगे, 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 हल्का सा ऑन द ब्रिज ऑफ द नोज एंड दैट्स इट. एडिंग बैक सम ऑफ द ब्राइटनेस टू द सेंटर ऑफ द फेस. के बाद आई एम गोइंग टू बी टेकिंग माय बनाना पाउडर फ्रॉम अनस्तासिया बेवरली हिल्स, और इससे आई एम गोइंग टू जस्ट सेट द एंटायर फेस. सबसे पहले हम सेंटर ऑफ द फेस को सेट करेंगे, और ये ब्रश भी काशी का है एंड इट्स प्रीटी नाइस. आज हम कॉन्ट्रोल कर लेते हैं. कॉन्ट्रोल के लिए मैं ले रहा हूँ आफरीन पैलेट फ्रॉम ज़ेफायर, उसका कॉन्ट्रोल शेड ले लेते हैं. आई एम जस्ट टेकिंग इट ऑन द सेम काशीज ब्रश और कॉन्ट्रोल करते हैं. मैं ये प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशन भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ साथ साथ, बिकॉज बिकॉज व्हाई नॉट यू नो. बस हम ब्रॉन्ज करेंगे. ब्रॉन्जर के लिए मैं रिमल का नेचुरल ब्रॉन्जर ले रहा हूँ, ये वाला, और ये काफ़ी पिगमेंटेड है तो मैं बहुत थोड़ा सा लूँगा. द ब्रश इज रियली नाइस, लेकिन इट कीप्स शेडिंग वन हेयर आफ्टर द अदर. तो आई डोंट नो, कलर दैट आई एम अप्लाइंग इज ऑल्सो फ्रॉम द ज़ेफायर आफरीन पैलेट. आई एम गोना टेक दिस शेड एंड लेट्स पुट इट ऑन. हल्का सा हम यहाँ लगा लेते हैं ऑन द नोजी. हाइलाइटर के लिए मैं ले रहा हूँ शार्लोट टिल्बरी का बार ऑफ गोल्ड. लेट्स अप्लाई. उफ हसीन. Alright, so that's what the face looks like. Looks pretty damn good. मैं करूँगा क्या, I'm gonna like lighten my गर्दन a little bit ताकि it looks somewhat the same, because I do look a little bit चिट्टा. But मुझे लगता है थोड़ा सा oxidize भी कर जाएगा time के साथ, तो we shall see. आपको camera पर पता चल जाएगा. अभी क्या time हो रहा है, let's see. It's 10:44 right now. तो I am going to complete my makeup. I'm gonna do my eye makeup. ऑफ कैमरा लिप्स वगैरह करके आई विल बी राइट. आई एम बैक, और अब तकरीबन 3.5 घंटे हो चुके हैं. मुझे फिल्मिंग में बहुत टाइम लग गया था एक्चुअली. मैं दरमियान में रुक गया, मैंने कुछ खा पी लिया, उसके बाद मैं दोबारा फिल्मिंग शुरू कर दी, और फिर मैं भूल ही गया कि मैंने इस वीडियो के लिए एक चेकिंग करना था. तो आई एम हियर. तो दिस लुक वुड प्रॉबली बी ऑलरेडी अप ऑन माई यूट्यूब. पिछली वीडियो चेक कीजिएगा टीटी कॉस्मेटिक्स वाली, ये उसमें मैंने लुक किया है. व्हाट डू यू थिंक, इट्स वेरी प्रीटी है ना. तो दिस इज व्हाट द बेस लुक्स लाइक. इट लुक्स फ्लॉलेस मैन, लाइक या इट्स लुकिंग अमेजिंग. कहीं से भी कुछ फटा नहीं हुआ बेस में, ना ही ऑयली हो रही है. इट्स जस्ट फ्लॉलेस सो फार, ना ही ज़्यादा ड्राई हो रही है. इट्स लाइक लुकिंग प्रीटी गुड. तो या लेट्स सी क्या सीन बनता है सहरी तक. सहरी तक ये लिपस्टिक जा चुकी होगी, बिकॉज आई कैन नॉट, I can physically not do this. ठीक है, तो see you until then. All right, guys. So it has been like almost 8.5 घंटे now. It's 6:31 and I was like editing. तो time को पता ही नहीं चला. तो it's 6:31 right now and this is what the makeup looks like. You guys, my review might shock some of you guys, but I feel like this foundation looks very similar to the original Huda Beauty 4 Filter Foundation, जो उनका ओरिजिनल फॉर्मूला था. डिफरेंसेस क्या हैं, डिफरेंसेस ये हैं कि ये वाली फाउंडेशन ना, इट गोज़ ऑन रियली थिक एंड ड्राई.
स्ट्रेट अप, ठीक है. हुदा ब्यूटी वाली ये थी कि इट वॉज अ लिटिल क्रीमी एट फर्स्ट एंड देन इट ड्राई डाउन टू अ रियली मैट फिनिश. दिस वन जस्ट गोज ऑन स्ट्रेट ऑन थिक एंड रियली ड्राई. तो अगर आप बहुत अच्छे नहीं हैं फाउंडेशन ब्लेंडिंग में तो यू आर गोना हैव अ टफ टाइम ब्लेंडिंग दिस आउट. बट इफ़ यू गुड ब्लेंडिंग फाउंडेशन यू आर नॉट गोना हैव एन इशू एंड यू कैन ब्लेंड दिस इनटू अ फ्लॉलेस फिनिश. हुदा ब्यूटी का ये है कि इट goes on a little creamy. मैंने जब मेकअप क्लोज अप देखा, longevity भी इसकी बहुत बहुत Huda Beauty जैसी है. So I was like editing and I am not used to having makeup on for this long. मेरी आँखों का मेकअप खास तौर पे is a pain in the ass. तो I was tearing up. तो कुछ आंसू मेरे नीचे बहे हुए हैं. तो वहाँ से foundation नहीं उतरी है. Foundation is still like freaking flawless. But मेरा थोड़ा blush वगैरह उतर गया है, highlighter उतर गया. मैं आपको close up में दिखाता हूँ. But the foundation is still on and still perfect. मेरी dark से foundation थोड़ी सी उतर गई है because I was I had some really spicy noodles for sehri and मेरी नाक बहने लगी. मैं पागल हूँ, मुझे पता है मैं पागल हूँ. सैरी में कौन स्पाइसी नूडल्स खाता है, बट या तो मेरी नाक बह रही थी तो मैंने वहाँ से वाइप ऑफ किया तो फाउंडेशन उतर गई. दैट्स नॉर्मल. बट लाइक ओवरऑल उसके अलावा कहीं से कुछ बुरा नहीं लग रहा. इफ़ एनीथिंग इट इवन लुक्स बेटर देन बिफोर राइट नाउ. मेरी स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है, इट्स ऑयली इन द टी जोन एंड ड्राई इन द पैरामीटर्स. तो जस्ट कीप दैट इन माइंड. और मैं आपको क्लोजअप आके दिखाता हूँ कि फाउंडेशन का हाल क्या है, ठीक है. आई ऑल्सो लाइक टर्न इट डाउन लिटिल बिट, थोड़ा डार्कनेस, वो क्या नाम है, ब्राइटनेस कम करके, ताकि आपको सही से दिखे. तो अब आपको लाइक सही से दिख रहा होगा कि फाउंडेशन का हाल क्या है. तो ये देखें, यहाँ से मेरे आंसू वगैरह बहे थे. तो ब्लश उतर गई है, हाइलाइटर उतर गया है, लेकिन हमारी फाउंडेशन फिर भी कमाल बैठी हुई है वैसी की वैसी. एंड लाइक द फोरहेड, एवरीथिंग फील्स अमेजिंग एंड इट्स लाइक नॉट कमिंग ऑफ टू द टच एज वेल. लाइक इट्स जस्ट ब्यूटिफुल, लाइक देयर इज़ नो अदर वे टू डिस्क्राइब इट. I wish the shade was different because this is a little pink. और मुझे फिर banana powder use करना पड़ा था, थोड़ा जुगाड़ करना पड़ा था. For 2500 rupees, I think this is a steal. बस ध्यान में रखें कि अगर आपकी ज़रा ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आपके पास इतनी अच्छी नहीं लगेगी. आपकी अगर ऑयली स्किन है तो आपके पास बहुत अच्छी लगेगी. और गर्मियों के लिए बेस्ट है because मैंने थोड़ी बहुत वॉक भी की थी बाहर. तो लाइक राइट नाउ आई मीन एसी, बट मैंने वैसे वॉक वगैरह भी की थी तो पसीने से वगैरह से कुछ खास मसला नहीं हुआ मुझे. इट्स वेरी गुड यू गाइस, आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड. मेरी तरफ से तो ये फाउंडेशन लाइक 10 स्टार्स है. काशी यू डिड अ ग्रेट जॉब एंड या दैट्स माय रिव्यू यू गाइस. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक द वीडियो, एक्चुअली लाइक करें नीचे जाके. मेरे पास काशी से कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं. आई हैव देयर पिगमेंट्स, आई हैव देयर आई ब्रशेज, आई हैव देयर आई शैडो पैलेट एंड आई हैव देयर लैशेज. तो इफ यू वॉन्ट अ रिव्यू ऑन दोज टू लेट मी नो, मैं रिव्यू फिल्म कर लूँगा. एंड या अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू गाइज, टेक केयर.